गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई विस वेरी वेरी इन योर हाउस। और वीडियो में मैंने आपको कोविड-19 के बारे में बताया है, प्लीज उसे ध्यान दीजिए, उसके प्रिकॉशन को फॉलो कीजिए। अब हम लोग पिछले प्रीवियस वीडियो में हमने सेट पढ़ा था, इसमें आपका यूनिट 3 में है नंबर अप टू 200। प्रीवियस क्लास में हमने 1 से लेके 100 तक काउंटिंग सीखा था। 1 से लेके 100 तक में, 1 से लेके 100 तक में 1 डिजिट, 2 डिजिट एंड 3 डिजिट पर हम रुक गए। अब नेक्स्ट क्लास में हम 100 टू 200 तक अभी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल 101, 102, 103, 104, इसी को हम कंटिन्यू करते जाएंगे तो हम 199 पे पहुँचेंगे। और प्रीवियस क्लास में जब 100 तक पढ़े थे तो यहाँ पर पहले 99 आया था, 1 से 1 to 99। जब 99 से आगे बढ़े तो क्या है 100। अब 100 से हम आगे बढ़ेंगे तो आएगा 199। अब इसके आगे क्या होना चाहिए, 200। यानी सब में 3 डिजिट नंबर आप ध्यान दीजिएगा, 1, 10, 100। ऐसे ये 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, ऐसे करते करते 900 तक जाएगा। उसके बाद हम लोग 4 डिजिट नंबर में जाएंगे। अब इन्हीं नंबर्स का नाम, ये तो नंबर्स हो गए, अब इन्हीं को हमको वर्ड में लिखना है। जैसे कि 102, इट्स फॉर एग्जांपल 102। अब इसको वर्ड में कैसे लिखेंगे, तो 100 अब यहाँ क्या है 2, टेंस के जगह में कोई नंबर नहीं है हमारे पास, तो 102। अब कोई और नंबर लेते हैं हम लोग, जैसे कि 143, 143। यहाँ सभी नंबर्स का नाम इंडिकेट हो गया। चलिए यहाँ तक तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं प्लेस वैल्यू। इन्हीं नंबर का, सभी नंबर का अपना एक स्थान का मान होता है। जैसे यहाँ 3 डिजिट नंबर हम लिए, 1, 10, 100, यानी 100 की जगह पे 1, 10 की जगह पे 2, 1 की जगह पे 9, यानी 9 हो गया 1, 2 हो गया 10 एंड 1 हो गया 100। द प्लेस वैल्यू ऑफ 1 इज, प्लेस वैल्यू 1 इज कितना है, 100। प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज कितना, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज 20। प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज, 9 क्या है यहाँ, 9। ऐसे ही बहुत से नंबर होंगे, सबसे पहले आप वहाँ 1 से 100 इंडिकेट करके उसका प्लेस वैल्यू निकालिए। जब किसी नंबर को हम डिटेल में इसको लिखते हैं तो उसको एक्सपेंडेड फॉर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द एक्सपेंडेड
152। सबसे पहले इंडिकेट करेंगे 152 का एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है। तो इसका प्लेसमेंट क्या है आपको 100 का 1 यानी 100 प्लस 5 टेंस प्लस 2 1s। अब इसी को नंबर में लिखते हैं, ये दुबार भी हो गया यहाँ पे, इसी को हम नंबर में लिखते हैं 100 प्लस 50 प्लस 2 इसका टू 152। इसमें हम आपको कोई डॉट नहीं। चलिए अब पिछले सारे टॉपिक में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर। व्हाट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर? इंक्रीज का मतलब क्या होता है? बढ़ना। इसका हिंदी भी नहीं होगा आपको, बढ़ते क्रम में किसी चीज को जब हम आगे की ओर लेके जाते हैं उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं। अरेंजिंग फ्रॉम स्मॉलेस्ट, ध्यान देना है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। जब हम कोई भी नंबर छोटा से बड़ा की तरफ लेके जाते हैं तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है। फॉर एग्जाम्पल 164 यानी 164, 117, 195, 181, इसको हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, स्मॉलेस्ट सबसे पहले लेना है। तो कौन सा नंबर यहाँ स्मॉलेस्ट है? 117। उसके बाद 164, 181, 195। अब इसमें आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये सारे नंबर कितने डिजिट्स के हैं? 3 डिजिट। तो सबका 100 प्लेस क्या है? सेम है, 1 1 1 1। तो यानी 100 प्लेस सेम है तो किस पे जाएंगे आप? टेंस पे। तो टेंस प्लेस इसमें किसका बड़ा? 6 1 9 8, यानी सबसे छोटा टेंस प्लेस है 1। उसके बाद टेंस प्लेस किसका छोटा है? 6। उसके बाद 8, उसके बाद 9। तो इसी तरह आप 3 डिजिट नंबर्स को एक सीरियल वाइज रखेंगे। तो यहाँ पे आपका ये इंक्रीजिंग ऑर्डर कंप्लीट हुआ। अब आइए डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग का हिंदी मीनिंग होता है घटते क्रम। अरेंजिंग फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, मतलब जब किसी नंबर को बड़े से छोटे की तरफ लेके जाते हैं तो वो डिक्रीज होता है। फॉर एग्जाम्पल 109, 112, 102, 108। इसमें भी आप ध्यान देना, सारे नंबर क्या है? 3 डिजिट है। सबके 100 प्लेस क्या है? सेम है, कोई अंतर नहीं है। 100 100 100 100। अब टेंस प्लेस पे जाएंगे। टेंस प्लेस सबसे बड़ा किसका है? क्योंकि हमको ग्रेटेस्ट से स्टार्ट करना है। तो टेंस प्लेस सबसे ज्यादा बड़ा किसका है? इसका 0 है, इसका 1 है, इसका 1 है। तो टेंस प्लेस दोनों का सेम है। अब जाएंगे इसमें वंस प्लेस। वंस प्लेस किसका बड़ा है? इसका 2, इसका 8, यानी ये सबसे बड़ा है। तो 118, उसके बाद 112, उसके बाद 109, उसके बाद 102। इसी तरह से और असाइनमेंट आपके बुक में चैप्टर दिए गए हैं, उसको आप कंप्लीट कीजिएगा। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
जो कि आपने प्रीवियस क्लास में भी वन में भी ये सब पढ़ा होगा, इवन नंबर ऑड नंबर। अब इसी को थोड़ा हम विस्तार से पढ़ते हैं। द नंबर इंडिकेट्स जब कोई भी नंबर 0, 2, 4, 6, 8 से समाप्त होता है वहाँ इवन नंबर कहा जाता है। जब किसी नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो नंबर क्या हो गया? इवन नंबर। फॉर एग्जाम्पल 34, 78, 94। तो ध्यान देना वन प्लेस सबका इंडिक लास्ट नंबर है इवन नंबर 4, 8, 4। यानी ये सारे नंबर 2, 2 से एक्सैक्टली कट जाएंगे, यानी ये इवन नंबर होगा। अब ऑड नंबर पे हम लोग आते हैं। द नंबर इंडिक इज जब किसी संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 होगा तो वो ऑड नंबर कहलाएगा, जो कि 2 से कभी भी डिविजिबल नहीं होगा। 77, 39, 55 सभी का आप लास्ट नंबर देखिएगा ऑड नंबर है 7, 9, 5। दिस लास्ट नंबर इज ऑड नंबर, सो दिस नंबर इज ऑड नंबर। इवन नंबर का हिंदी मीनिंग होता है सम संख्या, ऑड नंबर का विषम संख्या। इस टॉपिक्स में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। आज हमने यूनिट 3 का नंबर आपको 200 कंप्लीट किया है। आपका जो भी असाइनमेंट पीडीएफ से जाएगा उसको आप क्लियर करके कंप्लीट करोगे घर पे। चलिए आज के लिए इतना। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे। बाय।